मित्रों, अगर हमें बनानी है तो फिर हमें हुनर तो चाहिए। हम अचार बड़ी पापड़ तो अच्छा बना ही लेते हैं, लेकिन हमें राफेल भी बढ़िया बनानी, हमें सुखोई भी अच्छी बनानी है। इसलिए मैं हाल को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारी जो नेशनल पीएसयू, हाल हमारी मजबूत चीज है, हाल को दिखने में हमें ध्यान में आता है कि हम सुरक्षित। जब 26 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयर शो होता है, तब हाल की पराकाष्ठा हम सबको ध्यान में आता है। और पहली बार शायद मैंने हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की लेवल पे, और इंडस्ट्री की हो, पीएसयू हो या ग्लोबल लीडर हो, दोस्तों इन लोगों को इकट्ठा करके तभी इसकी जो सर्टिफिकेट होगा, किस कौन सर्टिफिकेट है हमारे देश में, सर्टिफिकेट आता ना आता सर्टिफिकेट ही मजबूत। और धारणा बदल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा सर्टिफिकेट इज इम्पोर्टेंट बट कॉम्पिटेंस इज मच मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए हमने सबसे कॉम्पिटेंसी और सर्टिफिकेट क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा जो ब्रांड है IIT, उनको हमने सुझाव दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के फ्रेमवर्क में। प्रोफेसर गणेश के नेतृत्व में पहले जो आज हमारी देश की साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी बन गए हैं प्रोफेसर करंदीकर, उनको जब मैंने कभी, भारत में थोड़ा काम करने में थोड़ा देरी होता है लेकिन होता तो अच्छा होता है, ये मेरे कल्पना लगभग 2 साल पहले की है। 2 साल लगा IIT और DGT के बीच में एक मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाने। DGT वालों को लगा कि 50-60 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बने उसकी चौधरी तो हम ही बनना चाहिए। फिर प्रोफेसर गणेश साहब को लगा कि इसको चलाएगा कौन, ये तो हो गई हम IIT है, लेकिन मैं इसी जाती हूँ हमारे यहाँ के जो बच्चे तीन प्रकार की कोर्स उनको मिलेगा, फिर बच्चे नहीं आएंगे। इसमें जितने सारे एविएशन यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड शुड बी सो हाई माय फ्रेंड्स एंड दोस्तों, यू मस्ट टेम्प्टेड टू ब्रिंग ऑल योर ग्लोबल वर्कफोर्स टू अपस्किल देम हियर इन कानपुर IIS एंड IIT कैंपस। दिस विल रीस्किल एंड अपस्किल द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। सेकेंड, शॉर्ट टर्म कोर्सेस आपने बच्चों में ITI पढ़ लिया है, इंजीनियरिंग कोर्स कर लिया है, लेकिन काम के बारे में हमारी देश की जो शिक्षा प्रणाली में अभी तक था मोदी जी आने के पहले, पढ़ाई और कॉम्पिटेंसी के बीच में गैप था, इसलिए सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंस के बीच में गैप है। इसको पाटने के लिए, उसको गैप को फिलअप करने के लिए इंस्टीट्यूट काम करेगा, शॉर्ट टर्म कोर्सेस चलाएगा। इसमें NCVT की एंडोर्समेंट नहीं लगेगी, क्योंकि IIT तो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, NCVT वही काम करता। कल्ची जी ने लेकिन मेरे को अश्योरेंस किया कोई नोटिस नहीं देंगे, उसको कोऑपरेट करेंगे, ये कल्ची जी की विशेषता है। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।